अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू महानूर व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मेरी फ्लाइट है और मैं यहाँ से जा रही हूँ यूके। सीन बस ये है कि अब मुझे तैयार होना है, अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, 2-3 घंटे हैं, तैयार पहले ही होना है। बाबा कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी तैयार होकर बैठ जाना चाहिए, आज बस फाइनल निकलना है यहाँ से। बहुत उदास हूँ मैं, बहुत ज्यादा उदास हूँ मैं, बट अब जाना तो है। और आप भी मेरे साथ साथ रहेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, कैसे चलते हैं, मजा आता है, उदासी बहुत हो रही है मुझे, बाकी अल्लाह खैर करे। तो ये है एयरपोर्ट लुक, चेंज कर ली है मैंने, अभी थोड़ा सा फ्लाइट में टाइम है लेकिन चेंज मैं कर चुकी हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी चेंज करके सामान को थोड़ा सा सेटल भी करना है और फिर उसके बाद निकलना है। और मैं पहली दफा अकेले ट्रेवल कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा रहता है, इंशाल्लाह मजा आएगा। अब मैंने सोचा है कि मैंने नहीं रोना, कल मैंने बहुत रो लिया। अब कल क्या, मैं पिछले काफी दिनों से मैंने बहुत रो लिया, अब मैंने सोचा कि नो, नहीं रोना। अब चलते हैं नीचे और सबके साथ थोड़ा सा जो लास्ट टाइम है 2-3 घंटे उनको सबके साथ स्पेंड करते हैं और फिर अपना बैग वगैरह, मेरे माशाल्लाह पैक मैंने पहले ही कर लिए थे, चेक भी हो गया था, सारा वेट वगैरह तो सारा कुछ डन हो गया, बस एक दफा मुझे बैग लास्ट चेक करना है कि कहीं कुछ मैं ऐसे रह ना जाए। तो बस यार चलते हैं नीचे अब, बाय बाय टू माय रूम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बेड को भी अल्लाह हाफिज बोलना बनता है, बाय बाय, अब चलते हैं नीचे। मैं हो गई हूँ कंप्लीट रेडी, मलाइका और मैंने आज ट्रेनिंग की है। ये मलाइका की भी शर्ट सेम है, मेरी भी शर्ट सेम है, हम दोनों बहनों ने आज सेम सेम पहनी और आज मलाइका भी अपने चैनल का इफ्तिताह करेगी और अपना ब्लॉग बनाएगी। अब से आप सब ने इसका भी व्लॉग जरूर देखना है क्योंकि अब पाकिस्तान वाले व्लॉग्स अब से मलाइका बनाएगी और यूके वाले मानव बनाएगी, मानव यूके के व्लॉग्स बनाएंगे। ओह माय गॉड शोखी। तो खैर यार अब 1-2 घंटे रहते हैं लेकिन मैं तैयार पहले ही हो गई हूँ और मस्कारा मैंने बिल्कुल नहीं लगाया क्योंकि अगर रोना आ गया तो मस्कारा ब्लैक कर देगा पूरा, इसलिए मैंने मस्कारा बिल्कुल भी नहीं लगाया। जी मिठू आ गया मानो को मिलने, मुझसे मिलने आया आज प्यारे बेटा, तबस्सुम नहीं आई, मुइजा नहीं आई, वो कहीं छुपी हुई होंगी। लाइट ऑन करना दूसरी मिठू, फिर वो पंखा चलता है। अच्छा चलो ये वाली कर देती, नहीं ये नहीं हो रही, पंखे की भी शोर आएगा ना मिठू, हमारी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए जी हमारा मिठू इतना इतना खामोश होकर बैठा है ना, इतना मासूम है नहीं ये, जा रहा हूँ ठीक है, हर वक्त जो कहता है ना मानव का बेटा, बोलना मत मेरी बात, यही बोल रहा तूने, मानव मिशु है का नाम बोला तूने, मिशु मिशु खुश खुश ऐसे अभी मैं कहाँ है, जा रही है मानो, जा नहीं हूँ मैं, जा नहीं हूँ पता, चली जाऊंगी लेकिन मैं वापिस आऊंगी तो फिर मिशू बीवी वाला होगा, मिशू की शादी हो गई होगी, हाँ। बेटी की शादी हो जाएगी मेरे पीछे, अभी मानो के जाने के बाद हम इसकी शादी करेंगे, इसकी मिशी ले आएंगे, बेगम से भी मिलूंगी, फिर मेरा बेटा जवान भी हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सारा कुछ आ जाएगा, रेड की ब्लैक, रेड आती है ब्लैक आती है, रेड आती है, चल रेड आ जाएगी कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा रेड आए, बड़ा बड़ा होके दिखाएगा फिर तो, अभी तो सो दूसरा हूँ मैं, सो दूसरा हूँ क्या क्या ड्रामे कर रहा है, बड़ा प्यारा ही मीठा इतने सकते भी क्यों है, पकड़ी बैठी हूँ ना आगे कोई कारनामा नहीं करने दे रही, हाथ पांव जो ना पकड़े हुए मानो, इसलिए कारनामा नहीं करने दे रही, बेचारा इधर तक नहीं जाने दे रही, कोई बालों तक नहीं जाने दे रही, कोई कैचर नहीं पकड़ने दे रही, तब भी तो तू ऐसे कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा, पंगे में है कि कैसे मैं पहुंचू, कब ये यहाँ से छोरी और मैं पहुंच जाऊं इधर इधर इधर, जिंदगी पकड़ ली है, आता मम्मा के पास आ जाए, मम्मा के पास जाए, जिंदगी चलो जी। हाँ जी क्या तासुरात है आपके, आप अपसेट लग रही हो मुझे, है ना कुछ कहना चाहेंगी आप आज इस व्लॉग में? अरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, खुश रहो हमेशा, ये दुआ है। ए मिट्टू, ए मिट्टू, सो आई एम कम्प्लीटली रेडी, शीशा थोड़ा सा गंदा हुआ है, मम्मी के रूम में हूँ, कर्लिंग करवाई है मैंने, अब हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। चलो यार हम लोग निकलने लगे एयरपोर्ट के लिए, अब मुझे थोड़ा सा हौसला आया है रो रो के, सारे रेडी हैं, मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग कर लूँ मैं, आंटी साइदा के पास ये बैग भी है, चलो यार निकलते हैं, बैग एक जा चुका है, दूसरा ये रहा, लेट्स गो, हेलो मॉमी, रख देंगे ना हैंड बैग के साथ सारा कुछ, हाँ पैसे वगैरह नहीं नहीं भाई नहीं, वो इधर है, हाँ पूरा खानदान तो नहीं, कम ही लोग हैं,
अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई है उधर बॉर्डर के ऊपर, ये साथ ही एक गेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उधर है जो उसके लिए लगा हुआ है। एयरपोर्ट पहुंच गए। हेलो, ये मेरे बच्चे सारे मुझे छोड़ने आए हैं। अलविदा। और बाबा का मूड थोड़ा सा ऑफ है, तो ऑफ नहीं है, उदास है वो। थोड़े उदास हैं। रास्ते में इतना सख्त मूड खराब है बाबा का। कुकी गाइस, हमने ट्रेनिंग की हुई है। डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई। हमें छोड़ के थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या सुन, क्या हाल है जी? सबके मुंह उतरे हुए हैं। सबकी कॉल्स आ रही हैं। इसने गजरे लाया। थैंक यू। उम्रा वालों को पहनाते हैं, इधर मुझे पहनाए जा रहे हैं। गजरे ज़्यादा अच्छा, गजरे मुझे ज़्यादा पसंद है। ये वाला और ये वाला मेरी तरफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीसरा भी पहने, हाथ मेरे पूरे भर जाएंगे। तीन तीन पहनाओगे तो? हाँ, मम्मा को पहनाओ जी। बाबा एक मिलाएगा को ठीक है। हाँ, पता नहीं जाने भी देते हैं या नहीं। यस, स्कैन होगी तो जाने देंगे। अच्छा, कुछ नहीं कर मत रो। क्या कुछ कहना चाहोगे मुझे लेकर? कोई बात, कुछ, कोई लाइन? टाइम बहुत प्यारा गुजर रहा है। हाँ, लंबा टाइम और काफी खूबसूरत टाइम गुजर रहा है। गवर्नमेंट काफी चेरिश करता हूं सभी चीज को जो साथ साथ रही। थैंक यू। मैं फिर अब कौन कौन मुझे मिस करने वाला था ना? मिस करोगी क्या मुझे? बहुत सच जाता है कि रात को मैं किसी लड़के तो बोलती भी कहानी याद आऊंगी मैं आपको। खदीजा रोने वाली हो रही है। इसका बस नहीं चल रहा है शामी मेरे साथ अंदर जाए। हाँ, है ना, अब अपने ब्लॉग में बता दूंगा। मैं तो कह रहा हूं मलाइका को पैक करके ले जाओ साथ। है ना, मैंने तो कहा है मलाइका चल ले। मलाइका तुझे पता सिम्बा नहीं मिला? नहीं मिला। चलो सिम्बा नहीं मिला, वो किसी से मिलता? चुप हुए थे कहीं। सिम्बा शाम को मिला थोड़ा सा, लेकिन रात में नहीं मिला। और तबस्सुम बिल्कुल नहीं मिली। तबस्सुम पता कहाँ छुपी हुई थी? वो दरवाजे के पीछे। इतना मुझे अफसोस हुआ ना, मैंने कहा तबस्सुम मेरी फेवरेट है और वही नहीं मिली। ये इन्हीं बैग में डाल के ले जाए। मैं रोक के खड़ा हूँ, चुकड़ा हूँ सारे। ख्याल रखना, कामयाबी आपको जरूर लाइफ में। किस किस एंगल से बनानी है?
ओके तो जी मैं अंदर आ गई थी। आप लोगों ने ब्लॉग देखा है, बहुत ही सेंटी और बहुत ही सैड ब्लॉग पीछे वाला तो था। खैर गाइस आप लोगों ने मेरा ब्लॉग तो देखा ही है, बहुत सेंटी ब्लॉग हो गया था, सबको पता है। खैर मैं अंदर आ गई और माशाल्लाह बोर्डिंग वगैरह सारा कुछ हो गया, अब सिर्फ फ्लाइट का वेट है और फ्लाइट में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने लिया है ये बिजनेस लॉन्च जिसमें मैं अब जाऊंगी और यहाँ पर मुझे खाने पीने की चीज़ें भी फ्री हैं, हाँ हाँ हाँ, और सीट्स भी बड़ी मज़े की है। तो अब मैं जाऊंगी और कुछ खा पी लेते हैं। मेरा दिल कह रहा है मैं कॉफ़ी पी लूँ क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, नींद भी पूरी नहीं है और रोए भी बहुत हैं, तो मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। अब चलते हैं, आप लोग को भी विजिट कराती हूँ कि वहाँ पर खाने में क्या क्या है। चलते हैं खाना वगैरह का कुछ देखते हैं और कुछ मज़े का खाते हैं वहाँ चल के। अभी भी मैं थोड़ा सा अपसेट हो रही हूँ क्योंकि बाबा को देख के मैं होती, बाबा जिस तरह रोए हैं ना, बस बर्दाश्त नहीं हुआ। खैर अल्लाह खैर करे, बस अब चलते हैं कुछ देखते हैं, कुछ खाते हैं, इंजॉय करते हैं और आप लोग भी साथ में इंजॉय करें। सबसे पहले मेरा रोना दोबारा से शुरू होता, मैं आ गई हूँ कुछ खाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, देख रहे हैं सब। इनसे बोलती हूँ कि मुझे चाहिए कॉफ़ी और यहाँ से कुछ मज़े का खाते हैं, यहाँ से कुछ मज़े का खाते हैं। कैपेचिनो चाहिए और मतलब शुगर हो उसमें, विदाउट शुगर नहीं चाहिए लेकिन अच्छी चाहिए, ठीक है। हाँ नॉर्मल 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 जी, बहुत ज़्यादा वो नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी, बस नॉर्मल, ठीक है ना। ओके जी, हाँ जी शुगर डालनी है, ये मेरे को अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये दो दे दें बस, थैंक यू। कॉफ़ी वही ला देंगे, चले वही ला जी जी, आप डालें मैं देखती हूँ। इतनी बहुत है जी जी, बहुत है इतनी, थैंक यू। चलो यार ये खाते हैं। चलो यहाँ पे भी लेने का ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे बाहर नहीं बैठना पड़ा, जहाँ पर बहुत सारे लोग वेट करते हैं वहाँ नहीं बैठना पड़ा। इतना कंफर्टेबल एरिया है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, लगता है सिर्फ मैंने ही लिया है और यहाँ पर मैं ही खा रही हूँ बैठ के मज़े से खाने। चलो यार अब मैं अपना प्लेट खाना इंजॉय करती हूँ। तो यार प्लेन का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। सीरियसली लोगों को जहाज का सोच के डर लगता है, मुझे बिल्कुल भी प्लेन में बैठने पर डर नहीं लग रहा। मैं जाऊंगी, फर्स्ट टाइम मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, हमेशा मम्मा बाबा के साथ किया, फर्स्ट टाइम है कि मैं अकेले ऐसे ही बिल्कुल अकेले अलोन ट्रैवल कर रही हूँ कहीं पे, फर्स्ट टाइम ही प्लेन का सफ़र है। हमेशा मम्मा बाबा के साथ ट्रैवल किया, ऐसा लगता है कि बस उनके साथ ज़िंदगी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई है और बस शादी हो गई है, बहुत जल्दी बड़े हो गए हम और अब देखें कि अकेले जा रहे हैं और अब ज़िंदगी वहीं गुजरनी है। आएंगे मिलेंगे फिर चले जाएंगे और वो बचपन के जो एक दिन होते हैं पेरेंट्स के साथ, जो आपके एक घर में आप रहते हो, वो लाइफ ऐसे लगता है बहुत जल्दी आपकी ख़त्म हो गई हो। जबकि मैं अपनी शादी के 2 महीने रही हूँ, वहीं रही हूँ, टाइम स्पेंड किया बहुत, लेकिन फिर भी जितना भी टाइम स्पेंड कर रहा हो ऐसा लगता है कि आपने बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। जब आपकी शादी जाती है तब आपको ऐसे ही लगता है कि यार आपने बहुत कम टाइम स्पेंड किया है और होना चाहिए था, लेकिन लाइफ फिर ऐसे ही चलती है जैसे चल रही है और सबकी चलती आ रही है कि एक वक्त आता है शादी होती है आप फिर इधर उधर हो जाते हो, आप बहन भाई एक घर में नहीं रहते, छत के नीचे नहीं रहते और मैं जिस तरह अब मेरा रमज़ान शरीफ आधा वहाँ गुजरा है, 10 रोज़ से वहाँ गुजरे हैं, सबके साथ सहरी अफ्तारी, अब वो चीज़ मैं बहुत मिस करने वाली हूँ और सबको बहुत मिस करने वाली हूँ, स्पेशली मम्मा और बाबा को। और उनके साथ तो अटैचमेंट इतनी है, कहीं भी अकेले कभी नहीं जाने दिया, कभी अकेले कहीं नहीं गए और हमेशा जैसे होता है ना कि किसी के परों के नीचे आप सेफ होते हो, तो ऐसा कोई सीन है आज ऐसा लग रहा है कि उन परों से बाहर हूँ मैं। खैर से फ़्लाइट में 40 मिनट्स रह गए हैं, अब देखते हैं कि क्या सीन है, कितने बजे हमारी स्टार्ट होती है। अब मैं बस वेट कर रही हूँ, कॉफ़ी वगैरह तो मैंने पी है, अब मेरा सर थोड़ा सा बेटर हो रहा है और गला भी मेरा थोड़ा सा बेटर हो गया, मैंने स्ट्रेप्सिल वगैरह ले लिया है। मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है उस टॉपिक को, क्योंकि अगर वो टॉपिक चलता रहता तो मैं मेरा क्राइम सेशन जो है ना वो ऑन हो जाता, तो अभी मैं नहीं चाह रही कि ऐसा कोई भी सीन हो, तो आई एम स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल करना है मुझे। खैर इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट जर्नी की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह अब हमारा स्टे भी है तो हम सबसे पहले पहुँचेंगे दोहा और
दोहा कतर एयरपोर्ट, फिर उसके बाद वहाँ से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है 3 घंटे बाद की, वहाँ पर 3 घंटे मेरा स्टे है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फ़्लाइट है मेरी सीधा यूके की। बस ये वेट करना है और इस सफ़र को बस थोड़ा इन्जॉय करने की भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन्जॉय करूँ, ज़्यादा उदास नहीं हूँ। बस इसी ना, उधर अमान मेरा इंतज़ार कर रहे हैं बहुत खुशी से, अबू अमान सब लोग बहुत 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 खुश हैं वो लोग, और इधर सारे उदास हैं। और मैंने बाबा को पहली दफ़ा ऐसे रोते देखा है, वो मेरी रुख्सती पे भी ऐसा नहीं रोए जितना वो एयरपोर्ट पे रोए। नहीं, मैं फिर याद नहीं करूँगी, मुझे फिर रोना आएगा, क्योंकि मैं जब जब वो देखूँगी, अभी जब मैं ये ब्लॉग एडिट करूँगी उसमें वो सीनों को, मुझे तब भी रोना आएगा। बस अल्लाह खैर करे, आप सब भी मुझे दुआ में याद रखें और इस तरह मेरे व्लॉग्स देखते रहे, साथ साथ रहे मेरी जर्नी के। अब मैं पाकिस्तान में थी तो वहाँ व्लॉग बनाती थी, अब मैं यूके जा रही हूँ तो अब वहाँ के व्लॉग्स आएंगे और पाकिस्तान के व्लॉग अब मलाइका बनाएगी इंशाल्लाह। मैं आई थी फ्रेश होने और फ्रेश हो गई हूँ मैं, अब की फ़्लाइट का टाइम करीब है, फ़्लाइट का टाइम हमारा होने वाला है, बस अब यहाँ से सामान उठाते हैं और चलते हैं बाहर, और मुझे लग रहा है अब मुझे बस जाना चाहिए, फ़्लाइट का टाइम करीब आ चुका है। ओह माय गॉड, आई एम एक्साइटेड, एक्साइटेड भी हो रही हूँ, घबराहट भी हो रही है, लेकिन मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा, जितना लोग प्लेन से डरते हैं मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे जहाज से डर नहीं लग रहा, सीरियसली मुझे पहले दिन से ही लग रहा, लेकिन लोगों को बहुत लगता है। लेकिन खैर अब बाहर चलते हैं और अब चल कर अपना देखते हैं और बैठते हैं फटाफट से। फाइनली जी, अब हम लोग जा रहे हैं, वो रहा सामने प्लेन, सारा कुछ क्लियर हो गया, अब चलते हैं अपने ट्रैवल की तरफ, दुआएं कि ट्रैवल अच्छा गुजरे और बस बस अब चलते हैं। थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है मुझे, बट कोई बात नहीं, मज़ा आएगा, अब मुझे लग रहा है कि मज़ा आएगा और मैं हंस रही हूँ, अब मेरा व्लॉग देख के मेरे माँ बाबा भी हंस रहे होंगे। ये देखें जी, मैं आ गई हूँ मैं। चले जी, अब यहाँ से ये टेक ऑफ होगा, कैमरा ऑन रखूँगी मैं और सारे मेरा रिएक्शन देखेंगे कि क्या सीन होता है, लेकिन मुझे डर अभी भी नहीं लग रहा, बैठ के भी डर नहीं लग रहा मुझे अभी भी, मैं स्लो स्लो बोल रही हूँ क्योंकि सारे पैसेंजर्स अभी सेट हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, और मेरे साथ जो लेडी हैं वो माशाल्लाह बहुत नाइस हैं दोनों, थैंक गॉड, बहुत ही अच्छी हैं, और बस अब हम लोग निकलेंगे और अपना सफ़र गुजारेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा। प्लेन हमारा चलने लगा है, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, और अब ये चलना शुरू हो गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं इसको ऑन ही रखूँगी, देखते हैं मुझे क्या फील होता है, लोग तो डरते हैं, मैं डर नहीं रही, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा भी साथ है, हाँ वो रहा, वो भी जा रहा है जी, आया है वो, आया अभी लगता है, नहीं नहीं वो मेरे ख्याल से उसकी फ़्लाइट है ओमान की, वो वहाँ अनाउंस हो रही थी जहाँ मैं बैठी थी कि पहले ओमान की भी फ़्लाइट थी ना एक, ये ओमान की फ़्लाइट है और ये हमारे वाली कतर की थी, पहले इसके पैसेंजर्स बिठाए उन्होंने फिर हमारे, ओ मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी बैठी हुई हैं लड़कियाँ, और इतनी प्यारी हैं और इतनी नाइस है, माशाल्लाह शुक्र है, मैं दुआ करी थी कोई अच्छा बैठे। लेकिन डरना नहीं है, मैं कोई नहीं डर रही, चलो इस स्पीड से, अभी नहीं दिख रहा है इसमें, बाहर अंधेरा है, हाँ बाहर अंधेरा है, मेरा मोबाइल तो यहाँ लग भी नहीं सकता। अच्छा मुझसे मिलके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लाइट्स ऑफ हो गई और अब ये चलना स्टार्ट हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरा जो बहुत कर दिया बाहर की तरफ ना, लाइटिंग नहीं है और डे का टाइम है, दिन नहीं है, चल रहा है बिल्कुल स्पीड से, डर तो नहीं लग रहा है किसी को।
पहले चीख निकली है वो प्लीज दोस्त खुश क्या मैं रो रही हूँ खुश और आप हमें देख के हंस रही हमें एंजॉय कर रही डर लगा आपको डर लगा मेरे आंसू आ गए अच्छा मुझे नहीं लगा सच में नहीं लगा खाना आया है मेरा और मैंने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी क्योंकि पनीर टिक्का मैं खाती नहीं हूँ फिश भी मैं नहीं खाती फिश टिक्का मसाला पनीर टिक्का मसाला और चिकन बिरयानी थी तो मैंने ऑर्डर कर लिया चिकन बिरयानी साथ मैंगो जूस है ये साथ कुछ सैलेड है ये है मीठा और ये भी कुछ है चले जी खाना खाते हैं और इसमें है स्पूंस इसको मैं खोल लूँ ये देखें जी ये आ गए जी स्पूंस अब हम खाते हैं खाना खाना खाते हैं क्या हुआ है ये है जी चिकन बिरयानी ट्राई करके देखते हैं कि अब इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है मम्मा की बात की बिरयानी से तो नहीं मिल सकती उनकी तो क्या ही बात है याद आ गई मुझे मम्मी की हाथ की बिरयानी उसमें गर्मा है नॉट बैड अब मैं ट्राई करने लगी हूँ सैलेड ये कोई अरेबिक स्टाइल का सैलेड है देखते हैं कि ये कैसा लगता है अच्छी थी मज़े की थी लेकिन मम्मा जितनी अच्छी नहीं थी बट मैंने खा लिया और ये सैलेड भी खाया मैंने थोड़ा सा ये बस 50-50 था ये अभी तक नहीं खाया ये ट्राई करते हैं इसमें है खजूर अच्छा लगा मैं कह रही हूँ ना इनका मीठा अच्छा है मैंने सर्चिंग की थी बहुत यूट्यूब पे इसमें इन्होंने दिए हैं क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो इसमें खजूर है और खजूर मैं नहीं खाती होती लेकिन अगर यहाँ पे बाबा होते तो वो कहते हैं कि खजूर खाओ अगर मेरे बाबा यहाँ पे होते तो वो कहते हैं कि लाजमी खाओ इससे एनर्जी मिलती है हमेशा कहते हैं कि तुम लोग अच्छी चीज़ें नहीं खाते इसलिए मैं खा रही हूँ करते हैं इस मीठे को ट्राई अच्छा लग रहा है और खाने में तो वैसे ही अच्छा होगा इनका सबसे बेस्ट यही है मीठा मैं कतर पहुंच गई हूँ दोहा एयरपोर्ट पे लैंडिंग हो गई अब यहाँ पे मेरा 3 घंटे का स्टे है और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अगला व्लॉग यहीं पर ही स्टार्ट होगा डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर श्योर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय